नमस्ते बच्चों, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में अनमोल सलाह नाम की एक कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह कहानी दो दोस्तों के ऊपर आधारित है। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि कौन अनमोल सलाह दे रहा है और वो अनमोल सलाह है क्या। ठीक है, तो ये कहानी महाराज कृष्णदेव के राज्य राज्य में होती है। महाराज कृष्णदेव के सभा में दो दोस्त जाते हैं और जाकर अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्हें कहते हैं कि न्याय कीजिए। तो तेनालीराम उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तेनालीराम है कौन, वो कौन थे, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि तेनालीराम थे कौन। तेनालीराम तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी कवि थे। उनकी माँ के गांव का नाम तेनाली था, इसीलिए उनका नाम तेनालीराम पड़ा। उन्हें मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाएं उन्हें मराठी कन्नड़ जैसी भाषाएं आती थी। वे विजयनगर के महाराज कृष्णदेव के सभा दरबार में थे। सबसे पहले हम लोग कहानी रीड करेंगे, आप लोग सुनेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कहानी को। ठीक है, तो मैं रीडिंग करके बता रही हूँ, आप लोग सुनिए, समझिए और खुद से कहानी रीडिंग कीजिए। एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव के दरबार में दो आदमी आए, जिनमें से एक के हाथ में सोने का हंस था। दोनों ने आकर महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज हमें न्याय चाहिए। महाराज ने पूछा, कैसा न्याय, क्या तुम इस सोने के हंस को लेकर आपस में लड़ रहे हो। वे दोनों बोले, नहीं महाराज, नहीं, हम लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इस हंस को लेकर हम दोनों एक मत नहीं है। तो दो लोग एक सोने का हंस लेकर राज्यसभा में उपस्थित होते हैं और दोनों महाराज से न्याय की गुहार करते हैं। महाराज पूछते हैं कि क्या तुम लोग इस हंस को लेकर लड़ रहे हैं। तो वे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम हंस को लेकर नहीं लड़ रहे, इस हंस के संबंध में जो हमारा मत है वो एक जैसा नहीं है। महाराज चौंक कर बोले, ठीक है, बताइए समस्या क्या है। जिस आदमी के हाथ में सोने का हंस था, वो महाराज से बोला, अन्नदाता, हम दोनों दोस्त हैं। मेरी हालत खराब चल रही थी, तो मेरे इस दोस्त ने अपना जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे खेती करने के लिए दे दिया, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। एक दिन मैं वहां पर हल चला रहा था, तो वहां मुझे सोने का एक हंस मिला। मैं जब इसे देने के लिए गया, तो यह इसे लेने से साफ मना कर दिया। अब आप ही न्याय कीजिए। दूसरा आदमी बोला, महाराज, मैंने उस जमीन के टुकड़े को इसे दे दिया था, तो उसमें से मिलने वाली हर चीज इसकी हुई। तो समस्या क्या थी, समस्या यह थी कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दिया था, ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, अपने परिवार का पालन कर सके। एक दिन वो वहाँ पे हल जोत रहा था, तो हल जोतते जोतते उसे एक सोने का हंस मिला। तो उसे यह लगता था कि यह उसके दोस्त की जमीन है, तो इस हंस पर उसका अधिकार है। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि नहीं, तुमने मेहनत की है, तुमको मैंने वो जमीन दिया है, तो इसीलिए यह हंस तुम्हारा है। महाराज ने दोनों की बात सुनी। पहला आदमी बोला, लेकिन महाराज, वह जमीन तो इसकी है, इसीलिए इस हंस पर इसका अधिकार है। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे। दोनों की बातें सुनकर महाराज भी सोच में पड़ गए कि न्याय करे तो कैसे। महाराज ने सभी दरबारियों से पूछा। महाराज भी अचंभित हो गए कि कैसे न्याय करें। फिर उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि आप लोग हमें सलाह दीजिए। एक दरबारी खड़ा होकर बोला, महाराज, मेरे विचार से आप हंस को दो बराबर हिस्सों में बांट कर दोनों को आधा आधा दे दीजिए। उसकी बात सुनकर महाराज ने उन दोनों को
हाँ, डांट खाकर दरबारी खिसियाकर बैठ गया। दरबारी की बात सुनकर महाराज ने उसे डांट दिया और दरबारी खिसियाकर बैठ गया। अब दूसरा दरबारी खड़ा हो गया, बोला, महाराज अब इस सोने के हंस को राज्य के खजाने में जमा कर लीजिए, क्योंकि जमीन के अंदर से निकलने वाली हर चीज पर राज्य का अधिकार होता है। इस तरह सभी दरबारियों ने एक एक करके अपनी विचार प्रकट किए, लेकिन महाराज को किसी की सलाह ठीक नहीं लगी। अब तेनालीराम की बारी आई। महाराज का इशारा पाकर तेनालीराम खड़े हुए और बोले, महाराज मेरा निवेदन है कि आप नगर के सुनार को बुलाइए, उससे इस हंस की कीमत पूछिए और आप इसे खरीद लीजिए। इसे जो भी पैसे मिले उन पैसों से आप इन दोनों के नाम पर सोने का हंस नाम का बाग का निर्माण कराइए, जिससे इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। बाग में एक अच्छा सा तालाब बनाया जाए जिसमें दो हंस तैर रहे हो, अनेक छायादार और फलों वाले पेड़ लगवाए जाए। इस तरह से जब तक यह बाग रहेगा लोग इनकी दोस्ती को याद करेंगे। तो तेनालीरामा ने क्या सुझाव दिया राजा को? तेनालीरामा ने राजा को सुझाव दिया कि गांव के सुनार को बुलाकर इसकी कीमत पूछी जाए और फिर आप इसे खरीद लीजिए, और उसे जो पैसा मिलेगा उस पैसे से गांव में एक बाग का निर्माण कर दिया जाए। बाग का नाम क्या होगा? सोने का हंस। जब तक ये लोग, जब तक बाग रहेगा तब तक इन दोनों का नाम जीवित रहेगा, इनकी दोस्ती लोग याद करेंगे। ये अनमोल सलाह तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव को दी। तेनालीराम की बातें सुनकर महाराज प्रसन्न होकर बोले, शाबाश तेनालीराम, हमें तुम्हारी सलाह अच्छी लगी, अब हमारा न्याय भी यही होगा। तो तेनालीराम की बात को सुनकर राजा प्रसन्न हुए, उनको शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि अब भी वह वही न्याय करेंगे जो तेनालीराम ने कहा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अनमोल सलाह क्या था, अनमोल सलाह किसने दी, कहानी किसके ऊपर आधारित थी, कहानी क्या थी, हम लोगों ने सब चीज अच्छे तरह से समझा। आप लोग ठीक तरह से कहानी को फिर से पढ़िए, रीडिंग कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए सबको नमः शिवाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक तरीके से पढ़ाई भी करें।